Hey, what's up, my beauties? Welcome back to my channel, Style with Shivani, and welcome to the bridal makeup look video. So, आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है एंड आई रियली वॉन्ट टू अपोलोजाइज कि वीडियो इतना ज़्यादा लेट हो चुका है बिकॉज ऑफ सम रीज़न ही इतना लेट हुआ है, सम टेक्निकल इशू. और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. सो बिना किसी देर के चलिए वीडियो शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ये वाइट टेप अपने आई शेडो के एजेस को शार्प दिखाने के लिए. सो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ब्राउज को फिल करने से. सो आई एम यूजिंग दिस बटन वाइल्ड की आईब्रो किट एंड आई एम टेकिंग दिस ब्राउन शेड एंड यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज फिल कर रही हूँ. एंड ऑलवेज स्टार्ट विद द मिडल पार्ट ऑफ आईब्रो बिकॉज अगर आपके ब्रश पे ज़्यादा प्रोडक्ट आ भी गया है तो मिडल पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है उससे, बट अगर स्टार्टिंग में आप ज़्यादा प्रोडक्ट लग गया तो वो फिर प्रॉब्लम करता है. एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये ब्राउ वैक्स. इट्स लाइक अ ब्राउ मस्कारा, काफ़ी हद तक आप उसे कह सकते हो. जैसे हम लोग लाइक मस्कारा से अपने आई लैशेज को सेट कर कर्ल करते हैं, सेट करते हैं, जो भी करते हैं, वैसे हम लोग अपनी ब्राउज को भी सेट कर सकते हैं इससे. एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्रोडक्ट है एंड आई रियली लाइक दिस वन. एंड ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी है. सो नाउ आई एम यूजिंग दिस एल्फ कॉस्मेटिक का आई प्राइमर. इसको मैंने पहले भी अपने वीडियोस में शेयर किया हुआ है एंड इट वर्क्स रियली गुड. लिटरली इससे बिल्कुल भी आपका जो आई शेडो है वो क्रीज नहीं होता है. एंड यहाँ मैं नायका का कंसीलर ब्रश लेके अपना प्राइमर को अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ पूरी आई लिड पे. एंड ये कंसीलर ब्रश काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. एंड इसे प्राइमर एंड कंसीलर दोनों को अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है. सो हियर आई एम यूजिंग माई फेवरेट कंसीलर, लोरल का इनफॉलेबल फुल वेयर कंसीलर. सबसे पहले मैं एक फ्लैट ब्रश लेके अपने ब्राउज को कि जिसको शार्प दिखाऊंगी, लाइक क्लीन कर लूँगी उसको. आप वर्क देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा अभी यहाँ पे कि ब्राउज को अच्छे से शार्प पेन करने के बाद में कितना ज़्यादा लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक आया था. एंड यहाँ पर मैं अपने पूरे आईलेट पर कंसीलर को अप्लाई कर लूँगी. एंड अगेन आई एम यूजिंग दिस कंसीलर ब्रश एंड इसे मैं पूरे आई लिड पर अच्छे से कंसीलर अप्लाई कर दूँगी एंड एकदम इवनली स्प्रेड होता है पूरे आईज पे एंड इट्स रियली गुड. सो इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी फिटमे का लूज पाउडर एंड इट्स रियली अमेजिंग लूज पाउडर. एंड यहाँ पर मैं फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अपने कंसीलर को सेट कर रही हूँ बिकॉज इसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहता है इसको सेट करने में, क्योंकि एकदम आईज़ के शेप का होता है. सो इसे काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है. तो यहाँ पे शुरू करते हैं अपना आई मेकअप एंड आई एम यूजिंग दिस हुडा ब्यूटी डेजर्ट डस्क पैलेट एंड इट्स रियली अमेजिंग पैलेट. तो फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस शेड ईडन एंड इसको मैं अपनी क्रीज एरिया से थोड़ा सा ऊपर बिल्डअप करूँगी. एंड आज के आई लुक थोड़ा सा आपको टफ लग सकता है बिकॉज आज मैंने ट्राई किया है ओम्ब्रे शेड को क्रिएट करने का. एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये शेड ब्लेजिंग, इट्स अ ऑरेंज काइंड ऑफ अ शेड. और सो ये होने वाला एक ओम्ब्रे शेड, तो ये जाएगा ऑरेंज से ब्राउन कलर की तरफ. सो मैं इस लाइट शेड से स्टार्ट कर रही हूँ एंड डार्क शेड पे जाऊँगी. सो मैंने इसको अभी अपने क्रीज पे ही बिल्डअप किया है अच्छे से इस कलर को एंड बिल्कुल हल्के हाथों से इसको ब्लेंड करना है. एंड यहाँ पे मैं शेड ले रही हूँ अम्बर, इट्स अ ब्राउन शेड. एंड यहाँ पे मैंने फोकस किया है आउटर वी पे. सो आउटर वी पे फोकस करते हुए मैं पूरे क्रीज एरिया पे इसको अच्छे से बिल्ड कर लूँगी. एंड लास्टली आई एम टेकिंग दिस डार्केस्ट शेड जो कि है ये आउट, इट्स आउट, इट्स आउट, आई डोंट नो हाउ टू प्रनाउंस दिस प्रॉपरली. एंड इसको मैंने ज़्यादा फोकस किया है आउटर वी पे ही. सो यहाँ पर मैं अगेन फ्लफी सा ब्लेंडिंग ब्रश लेके पूरे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि कुछ भी हार्श एडजस्ट ना दिखे इसमें. सो लास्ट आई एम टेकिंग द शिमर शेड सेलेस्टियल एंड इसको मैं अपने आईलिड पे इनर कॉर्नर से मिडल आईलिड तक अप्लाई करूँगी. सो हियर आई एम टेकिंग दिस पैलेट ब्यूटी ग्लेज,
इसमें काफ़ी ज़्यादा शेड होते हैं। सो यहाँ पे जो ये ग्लिटर है, ब्रश ग्लिटर, इसको मैं अपने आईलिड पर अप्लाई करूँगी। बट उससे पहले आई एम यूजिंग दिस फेस ब्यूटी का ग्लिटर लिक्विड आई शेडो इन द शेड रोज गोल्ड। सो जहाँ पे मुझे वो ग्लिटर प्लेस करना है, मैं उस जगह पे इस लिक्विड आई शेडो को अप्लाई कर लूँगी एंड उसके बाद मैं ग्लिटर प्लेस कर रही हूँ। एंड यू कैन सी वो बिल्कुल भी फॉल आउट नहीं हो रहा है एंड बहुत ईजिली ग्लिटर आईलिड पे स्टिक हो जा रहा है। एंड हियर आई एम टेकिंग दिस मेबलिन का कोलोसल लाइनर एंड यहाँ पर ट्रेजेडी हो गई, मेरा लाइनर एकदम सूखने की कंडीशन में एकदम डेड है, बट कैसे भी मैंने काम चला लिया आज। एंड आई थिंक आई नीड टू शॉप अ लॉट ऑफ आई लाइनर बिकॉज मेरे सारे आई लाइनर ख़त्म हो चुके हैं। सो यहाँ पर मैंने पिंक आई लाइनर ड्रॉ किया हुआ है एंड यहाँ पर आप टेप को हटा देते हैं सो यू कैन सी द लाइनर। सो एक आईज का लाइनर एकदम ख़राब हो गया एंड यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डरते इस आई लाइनर को अगेन ड्रॉ कर रही थी कि ये ख़राब नहीं हो जाए, एकदम बिगड़े। सो ये बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा और ये काफ़ी अच्छे से दिख रहा है आपको जैसा भी है। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये स्मैश बॉक्स का ऑयल एंड शाइन प्राइमर। सो इट्स अ ब्राइडल मेकअप, सो आई थॉट मेरे पास जितने अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मैंने उन सबको यूज़ करती हूँ, बट आई डोंट नो यार, ये मुझे कुछ इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं आया। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर फॉर द ग्लो बिकॉज इसके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा ग्लो आता है फेस पे एंड यू कैन सी द शीन। देखो वो इतनी ज़्यादा विजिबल नहीं होती है बट या फाउंडेशन के अंदर से वो बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक शीन दिखाई पड़ता है। सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ दो फाउंडेशन, फर्स्ट इस मेबलिन का सुपर स्टे 24 और फुल कवरेज फाउंडेशन एंड दूसरा है मिलानी कंसील एंड परफेक्ट। सो आई वॉन्ट टू बिल्ड द कवरेज, सो उसके लिए मैंने दो को फाउंडेशन को मिक्स कर लिया एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ। सो उससे काफ़ी ज़्यादा सच में एकदम फुल कवरेज फाउंडेशन वाली फील आ गई है एंड यू कैन सी योर सेल्फ। एंड जब भी आप फाउंडेशन को ब्लेंड करें स्पेशली फोर हेड पे, सो अपने हेयर लाइन को अच्छे से कवर करें नहीं तो वो अलग से ही दिखाई पड़ता है। सो यहाँ पे मैं अपने आईज अंडर आई को कंसील कर रही हूँ एंड अगेन आई एम टेक यूजिंग दिस कंसीलर ब्रश एंड इट वर्क्स रियली गुड। एंड इसके बाद में मैंने ये ब्यूटी ब्लेंडर से जो थोड़ी सी जो हार्श एजेस रह जाती हैं उसको एकदम अच्छे से स्मूथ कर लिया है, जो एक्सेस हो वो भी रिमूव हो जाए। एंड उसके बाद मैं पूरे अपने फेस को जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट करना है हाईलाइट कर ले रही हूँ एंड यू कैन सी कितने अच्छे से ब्लेंड हो जा रहा है, लाइक इट्स लाइक अ जस्ट बटर जो इतना अच्छे से ब्लेंड हो गया। सो यहाँ पे मैं अपने जो आईज को लाइक पाउडर यूज़ कर रही हूँ, अगर आप जिस मेथड से मैंने यूज़ किया हुआ है सेट किया है अपना कंसीलर उस मेथड से करते हो तो आपको एक अलग ही लाइक कवरेज मिल जाती है, बिल्कुल भी डार्कनेस आपके आई अंडर आई में नहीं दिखेगी बिकॉज आई एम वन ऑफ द पर्सन जिसे काफ़ी ज़्यादा हैवी डार्क सर्कल्स हैं एंड यहाँ पे बिल्कुल ही विजिबल नहीं हो रहे हैं। सो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको यूज़ करके देखना चाहिए। तो हियर आई एम यूजिंग दिस शुगर की फेस पैलेट। सबसे पहले आई एम गोना कॉन्टोर माई फेस, सो कॉन्टोर करते रहे आपको ऐसे अजीब अजीब से फेस बनाने पड़ते हैं। सो इसको मैंने अपने जॉ लाइन पे एंड फोर हेड पे अच्छे से मैंने इसको लाइक अपने फेस को एक डायमेंशन दे दी है, लाइक लिटरली जो बिल्कुल एकदम फ्लैट सा फेस दिख रहा था वैसा नहीं दिखेगा। एंड यहाँ पे आप करते हैं अपनी नोज़ कॉन्टोर जस्ट टू मेक दैट मोर स्लिम एंड इस टेक्निक से बहुत अच्छे से आपकी नोज़ कॉन्टोर आती है एंड बिल्कुल भी वो प्रोडक्ट फैलता भी नहीं है एंड नोज़ भी काफ़ी ज़्यादा स्लिम दिखने लगती है जिससे पूरे फेस का लाइक एकदम लुक ही बदल जाता है जब आप कॉन्टोर या ब्रॉन्ज करते हो अपने फेस को। यू कैन सी अब मैं डिलीवरी पे ब्लश एंड जस्ट स्माइल एंड अप्लाई ऑन द हाई पॉइंट ऑफ योर फेस। तो मुझे इसको नोज़ पे अप्लाई करना काफ़ी पसंद है, फोर हेड पे एंड हल्का सा चिन पे। तो
थोड़े से कलर्स ऐड हो जाते हैं फेस पे। तो आई एम यूजिंग दिस पैलेट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ट्रैवल फ्रेंडली भी है, आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स परचेज कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हाइलाइटर भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है मुझको एंड इसका सबसे ज़्यादा जो अच्छा इफेक्ट दिख रहा है वो है जब मैंने अपनी ब्राउ बोन हाईलाइट की है। एंड यहाँ पे यूज़ करी मैं अपना फेवरेट प्रोडक्ट जो आजकल मेरे लाइक बहुत ज़्यादा फेवरेट है, वो है के ब्यूटी का दिस काजल एंड इट कम्स विद अ स्मर्जिंग ब्रश, सो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड लाइक लिटरली यू कैन सी ये कितने अच्छे से स्मर्ज हो जा रहा है। बिकॉज मुझे वो हार्श लाइन वाला काजल बिल्कुल भी नहीं पसंद है, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा कम काजल लगाती हूँ, बट ऐसे स्मर्ज करने के बाद में ना आईज़ को एक बहुत ही अच्छा लुक मिलता है। एंड यहाँ पे मैं एक फ्लैट ब्रश ले रही हूँ एंड आई एम टेकिंग दिस शेड अम्बर एंड इसको मैं अपनी जो काजल ब्लेंड किया है स्मज किया उसके नीचे मैं हल्का सा अप्लाई करूँगी जस्ट टू क्रिएट अ लिटिल बिट स्मोकी लुक, इट्स नॉट अ स्मोकी बट या हल्का सा मोर कलर ऐड करने के लिए एंड यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। एंड हियर आई एम यूजिंग दिस माई फेवरेट फ्लोरल का लैश पैड एज मस्कारा एंड मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा केयरफुली मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ ताकि मुझे आई लिड पर या फिर नीचे फेस पे कहीं पे लग ना जाए वो। एंड यहाँ पे मैंने आई लैशेज वेयर कर ली हैं एंड आई एम दूसरी आईज पे आई लैश वेयर कर रही हूँ, यू कैन सी एंड बहुत ज़्यादा ईजिली अप्लाई होती थी मुझसे अब आई लैशेज, पहले नहीं होता था बट या आई एम गेटिंग यूज टू इट सॉरी। एंड हियर यू कैन सी द फुल लुक आई लैशेज अप्लाई करने के बाद में आईज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। एंड यहाँ पे आई एम यूजिंग दिस स्मैश बॉक्स का प्राइम एंड सेट स्प्रे एंड हियर आई एम यूजिंग दिस स्मैश बॉक्स की लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड पॉज एंड इट्स अ ब्यूटिफुल रेड शेड। मैंने इसको अपने लिपस्टिक कलेक्शन में आपके साथ शेयर किया था लाइक टॉप 5 फेवरेट लिपस्टिक में एंड यू कैन सी द फुल लुक। एंड यहाँ पे मैं छोटी सी नथ बेयर कर रही हूँ कि आई डोंट हैव अ नोज पियर्सिंग, सो मैं जो ऐसे वो बंद करने वाली या फिर दबाने वाली नोज रिंग ही पहननी पड़ती है, वैसे मुझे कोई इतना शौक नहीं है। एंड यहाँ यू कैन सी द फुल लुक, ये ज्वेलरी मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है, बैंगल्स की डिटेल आपको आगे मिलेंगे आने वाले वीडियोज़ में एंड हियर इज़ माई फाइनल लुक एंड आई होप आपको मेरा आज का लुक पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये लुक पसंद आता है मेक श्योर आप मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल।